आज मैं आपको व्रत के लिए एक ऐसी रेसिपी दूंगी जो झटपट बनकर के तैयार हो जाती है। इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 15 मिनट का। और आपके पास सभी चीजें तैयार है ना, तो सिर्फ 5 मिनट इस रेसिपी को तैयार करने में और 5 मिनट सेकने में लगेगा। तो 10 मिनट की रेसिपी है और मनपसंद चटनी दही के साथ इस रेसिपी को एंजॉय कर सकती हैं। ये रेसिपी जितनी बढ़िया देखने में है उतनी बढ़िया खाने में है। बाहर से बहुत बढ़िया सी क्रंचीनेस और अंदर सॉफ्टनेस है। ये देखिए है ना कितनी मस्त। अभी तो इतनी ज्यादा गर्म है कि इसे छू भी नहीं पा रहे हैं। और अब देखिए ठंडे होने के बाद इसे तोड़कर दिखाते हैं तो कितनी बढ़िया मस्त और अंदर भी इसमें जालियां कितनी परफेक्ट आई है ना। चलिए झटपट बनाते हैं 15 मिनट में बनने वाली इस इंस्टेंट रेसिपी को। तो हमने आलू लिया है, उबाल लिया है, तो हमने ये छोटे साइज में आलू थे 6-7 आलू ले लिए हैं। इन्हें इस तरीके से छील करके तैयार कर लेना है। इन्हें आप तुरंत उबाल कर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ठंडे भी इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको ठंडा लेना है या गर्म आलू लेना है। चलिए इन्हें छीलने के बाद हम एक बाउल लेते हैं और इन आलुओं को कद्दूकस करके तैयार कर लेते हैं। मैंने जो अदरक घिसने वाला कद्दूकस रहता है छोटा वाला, उसका इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी कद्दूकस है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सभी आलू कद्दूकस करके तैयार करेंगे। इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। आलू की रेसिपी सबको पसंद आती है, बच्चे हों या बड़े। इसे आप बिना व्रत के भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। व्रत के लिए बनाएंगे तो व्रत वाले मसालों का इस्तेमाल करेंगे। तो 1-2 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसे हमने आलू को कद्दूकस किया था उसी से इन्हें भी कद्दूकस करके तैयार करेंगे। और फिर मैंने ना जो हरी वाली मिर्च पक जाती है ना उन्हें लिया है, तीन चार हरी मिर्च ले लिया है। तो इन्हें हम कुचल करके इस्तेमाल करेंगे, इन्हें टुकड़े काट कर इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ में 1/2 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे। 3 चम्मच के जितना पीनट पाउडर है इसको मैंने कुचल करके इस्तेमाल किया है और इसके छिलके नहीं हटाए हैं। अगर आप चाहें तो छिलके हटा सकती हैं। इससे थोड़ा सा ना लुक बढ़िया आएगा। और फिर अपने स्वादानुसार नमक का ऐड कर देंगे। खट्टेपन के लिए 1/2 नींबू निचोड़ देंगे। अगर आपके पास घर का बना हुआ आमचूर पाउडर है तो इस्तेमाल कर सकती हैं, वरना नींबू ही ऐड कर दें। और इसके बाद 3 चम्मच सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे ना बहुत ही बढ़िया बाइंडिंग आएगी। और धनिया पत्ती ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर देना है। व्रत में आप क्यूमन सीड्स खाते हैं तो ऐड कर सकते हैं, भुना हुआ जीरा पाउडर भी ऐड करके डो बना सकते हैं। और इसमें पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मुझे थोड़ी सी बाइंडिंग कम लग रही थी तो मैंने 1 चम्मच और सिंघाड़े के आटे का ऐड किया है और फिर अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो 8 से 9 आलू के लिए 4 चम्मच सिंघाड़े का आटा लिया है, ये परफेक्ट है। बड़े आलू हैं तो आप 4 ले सकते हैं, छोटे आलू हैं तो 8 ले सकते हैं। आलू है हाथों में चिपकेगा, इसीलिए थोड़ा सा घी या ऑयल हाथों में ग्रीस करके छोटा नींबू के साइज में डो को तोड़ लेंगे। हाथों से गोल गोल घुमा करके राउंड शेप की बॉल बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए परफेक्ट बननी है ना, ना ही कोई क्रैक आते हैं और ना ही फटने की गुंजाइश रहती है। 2 मिनट में ना आप सारा आटे से बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे। बहुत आसान, बहुत इजी रेसिपी है, इंस्टेंट रेसिपी है और यूट्यूब पर ये एक नई रेसिपी है। व्रत के लिए इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। ये देखिए बॉल्स हमारी सभी तैयार हो गई हैं, उतने डो से 14 बॉल्स बन करके तैयार हुई हैं। चलिए सेकने की प्रोसेस में मैंने पहले एक बाउल को चेक करने के लिए ऑयल में ऐड कर दिया था कि इसमें कोई फटने वाली या फैलने वाली समस्या तो नहीं है। अगर ये बॉल फटती है, फैल जाती है, कढ़ाई में चिपकती है तो हम थोड़ा सा कुछ और भी ऐड करके इस रेसिपी को परफेक्ट बनाएंगे। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बनी है ना, तो हम और भी बॉल्स को ऐड कर देंगे। पहले 3 बॉल्स मैंने ऐड किया है क्योंकि ये खट्टी चिपक जाती हैं साथ में। पैन में सेकते हैं तो 6-7 बॉल एक साथ ऐड कर सकते हैं और ये थोड़ी सी सिक जाए ना तब इस तरीके से पलट सकते हैं और बाद में हम 3-4 बॉल और भी ऐड कर सकते हैं। जो लोग व्रत में आलू खाना पसंद करते हैं उन्हें ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और जब बना करके इस रेसिपी का टेस्ट देखेंगे ना तो फिर हर बार यही रेसिपी तैयार करेंगे। देखिए बॉल्स को हमें कुछ इस तरीके से पलटते रहना है ताकि ये एक ही साइड ज्यादा ना सिके
हम घुमाते जाएंगे तो ये सभी ओर से परफेक्टली सीखेंगी। व्रत के लिए मैंने और भी नई नई रेसिपी शेयर करी है। अभी हाल ही में मैंने आलू का झोल और सिंघाड़ा आटा की कचौड़ी एक नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी। आप लोगों ने उसे देखा है या नहीं, इंडियन किचन क्वीन में इस रेसिपी को आप सर्च करके देख सकते हैं। तो ये देखिए बॉल्स हमारी सिक चुकी हैं और अंदर भी बढ़िया से सिके, तो गैस की फ्लेम को ना हम लो कर देंगे। 2 मिनट के बाद इन्हें सेक करके निकाल लेंगे, है ना, परफेक्ट। अब हम दूसरी बार भी बॉल्स को ऐड कर देंगे, सेम उसी प्रोसेस से सेक कर तैयार करेंगे। सेकने के बाद इन्हें भी निकाल लेंगे। व्रत में ज्यादा कुछ बनाने का मन ना करे तो फटाफट से 15 मिनट में इंस्टेंट इस रेसिपी को बनाकर जरूर तैयार कीजिए और फिर टेस्ट का मजा देखिए। व्रत में 4 चांद लग जाएंगे, छोटे ना बड़े इस रेसिपी को मिनटों में झट कर जाएंगे। तो फटाफट से दही के साथ या फिर हरी चटनी के साथ इस रेसिपी को जरूर से इंजॉय कीजिएगा। ये बॉल बाहर से इतनी ज्यादा क्रिस्प बनी है और इतना ही अंदर से सॉफ्टनेस है। ये देखिए अभी इतनी ज्यादा गर्म है कि मैं इसे छू भी नहीं पा रही हूँ, इसे मैंने थोड़ी देर बाद आपको तोड़ करके दिखाया है। अगर आप साबूदाने से बनी रेसिपी सिंघाड़े की पूड़ियाँ खा खा कर बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। आप लोग मेरी रेसिपी को देखेंगे तो नई नई रेसिपी आप लोगों तक पहुँचते रहेगी। अगर आप पसंद करें तो लाइक करके इंडियन किचन क्वीन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।